भारी बारिश के चलते दूसरी बार तवा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे आवागमन बंद है। आलम यह है कि नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट दूसरी बार खोले गए। इससे पहले शुक्रवार को भी तवा डैम के गेट खोले गए थे। फिलहाल 10 फीट की ऊंचाई तक डैम के 13 गेट खोले गए हैं। वहीं करीब 2,04,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी सहित कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं कोटे से ज्यादा बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। डोलरिया की हथेड़ नदी पुल पर भारी बारिश के चलते पानी आने पर हरदा से नर्मदापुरम का रास्ता बंद हो गया है, जबकि सुखतवा नदी पर बने हुए अस्थायी पुल पर बहने की वजह से भोपाल नागपुर हाईवे 69 पर लगातार यातायात बंद है। 15 जुलाई को डैम के 7 गेट और फिर 9 जुलाई को डैम के 11 गेट खोलने पड़े थे। वहीं 16 जुलाई को डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। प्रदेश में हो रही बारिश के चलते इटारसी के कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। देर रात आंधी पानी ने इटारसी शहर में बाढ़ के हालात बना दिए। नाला मोहल्ला मेहरा गाँव के घरों में पानी घुस गया, जहाँ कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर नवनिर्मित सुखतवा पुल का एक हिस्सा बह गया। ये पुल नर्मदापुरम बैतूल के बीच का है। सुखतवा का पुराना पुल टूटने के बाद यह अस्थायी पुल बनाया गया था। मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इंदौर में भी मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे तक भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।